नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे हुए आप SBI का पासबुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा आप स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं कि हमारे अभी भी SBI में कितना पैसा कटा हुआ है, कितना बाकी है। आपको कहीं भी आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे हुए जो कि आप अपना पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं और अपना विवरण पूरा देख सकते हैं अपने अकाउंट का कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा कटा और कितना निकाला हुआ और कब कब कटा हुआ, पूरा आप घर बैठे हुए जो कि अपना पासबुक जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए जो कि आप अपना SBI का पासबुक जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो अगर आप भी इस सब देखना चाहते हैं, अपने पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर लास्ट बने रहिएगा, स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि कैसे आप जो कि SBI का आप पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा लास्ट तक बताऊँगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो लाऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए हम यहाँ क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। तो हमने यहाँ क्रोम ब्राउज़र खोल लिया, आपको इसी तरह क्रोम ब्राउज़र खोल लेना। खोलने के बाद यहाँ आपको सर्च बार में सर्च करना है जो कि S, उसके बाद B, उसके बाद SBI। आपको इतना सर्च करना है, SBI करके आपको इतना सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको एक ऑफिशियल जो कि वेबसाइट खुल कर आ जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, पहले नंबर तो आपको इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना होगा। तो चलिए हम इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। डेस्कटॉप मोड में करते हैं तो आपको थोड़ा सा जो कि कंप्यूटर जैसा आपको दिखता है, तो आपको डेस्कटॉप मोड में साइड पर आपको टिक लगा देना है। जैसे ही आप टिक लगाते हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड में ये जो कि हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखेगा स्पॉट। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली इस पर क्या करेंगे, सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे, यानी हम ओपन कर देंगे। जिसे ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का पेज खुल कर आता है। आने के बाद आप देख सकते हैं पर्सनली बैंकिंग, देख सकते हैं पर्सनली बैंकिंग आपको मिल जाती है। मिलने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको नीचे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलती है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लॉगिन वाले पर क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से ओपन हो जाता है। होने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा आपको जूम कर देना। जूम करने के बाद यहाँ आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का आपको ऑप्शन मिल रही है, कंटिन्यू टू लॉगिन का एक ऑप्शन मिलती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे क्लिक किया तो हमारा जो कि खुल कर आ गया। आने के बाद आपको क्या, यहाँ जो कि आपको user ID और पासवर्ड मांग रहा है, user ID और पासवर्ड आपको मांग रहा है और ये जो कि आपको भरना है। अगर आपके पास user ID और पासवर्ड नहीं बना रखे हैं पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, आपको न्यू user ID के लिए हम बताना चाहते हैं, जो न्यू लोग हैं तो उनके लिए न्यू यूजर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए न्यू यूजर पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम न्यू यूजर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ओके का एक ऑप्शन मिलती है, ओके वाले पर क्लिक कर देना है। जिसे ही आप ओके वाले पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलती है, अगर आप न्यू हैं तो न्यू यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जिसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरी फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बैंक आपका अकाउंट डाल देना है। उसके बाद CIF नंबर आता है, एक IFC नंबर आता है जो कि IFC कोड होता है, एगो CIF नंबर होता है। तो आपको CIF नंबर आपको पासबुक में होगा, वहाँ से आपको यहाँ इसमें डाल लेना है। उसके बाद ब्रांच कोड आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको कंट्री चूज कर लेना है, आप किस कंट्री से हैं, आपको यहाँ कंट्री चूज कर लेना है। उसके बाद ये आपको यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, वही मोबाइल नंबर आपको डालना होगा जो कि आपका पासबुक से यानी अकाउंट से वो मोबाइल नंबर आपका लिंक हो, वही आपको मोबाइल नंबर इसमें आपको डालना है। उसके बाद ये आपको यहाँ आपको चूज कर लेना है। उसके बाद ये कैप्चर जो कि आपको कैप्चर को इस बॉक्स में फुल कर लेना है। और यहाँ आपको क्या करना होगा, आप कितना दिन के और कहाँ कहाँ कितना समय का देखना चाहते हैं, अगर फुल पासबुक अपना देखना चाहते हैं स्टेटमेंट्स, तो आप वहाँ से फुल यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम पहले शुरू से भर लेते हैं। पहला नंबर हम यहाँ अपना अकाउंट भर लेते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर भरने के बाद यहाँ आपको CIF नंबर होता है, अकाउंट की तरह नंबर होता है, इसी तरह आपको नंबर अकाउंट नंबर की तरह होता है। उसके बाद आपको क्या करना, जो कि 11 डिजिटल का आपका होता है अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ आपको कोड डाल देना है, ब्रांच कोड। उसके बाद यहाँ आपको कंट्री चूज कर लेना है, तो हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया चूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है तो हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिए। डालने के बाद आपको क्या करना होगा,
यहाँ आपको फुल अगर पासबुक आप देखना चाहते हैं तो फुल ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम फुल पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये कैप्चर को भर देते हैं। कैप्चर को कृपया आप लोग ध्यान रखें, जैसा कैप्चर वैसे ही आपको फिल करना है। बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा आपको भरना होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करते हैं तो आप इसे डाउनलोड ना कर पाएंगे, पासबुक को डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। उसके बाद जैसे ही क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबमिट का एक ऑप्शन मिलती है, तो सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट वाले पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो कि पासबुक जो कि हमारा डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे ये जो कि खुलकर आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारे ये जो कि नेम और ये हमारा एड्रेस आ गया, ये अकाउंट नंबर, ये पूरा हमारा ये पहले विवरण खुल के आ गया, हमारे अकाउंट का पूरा डिटेल्स आ गया। उसके बाद यहाँ आते हैं तो हमारा हम कितने पैसे निकाले हैं कितना नहीं, क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से पूरी हमारी ये बैलेंस आपको दिख जाती है। देख सकते हैं डेबिट कार्ड का यहाँ जितना कटा हुआ, जितना आप निकाले हैं डेबिट कार्ड से यानी एटीएम से, तो यहाँ आपको दिखने के लिए मिल जाती है। और हमारा टोटल बैलेंस कितना बचा हुआ है जो कि निकालने के बावजूद ये आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाती है। आप पूरा देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। यहाँ आपको बैलेंस मिल जाती है, हमारे एटीएम से निकाला हुआ पैसा मिल जाती है। और हम कब कब निकाले हैं, कहाँ कहाँ निकाले हैं, आपको हर डेट बाई डेट मिल जाती है। देखिए यहाँ 12 जनवरी, आप यहाँ देख सकते हैं 12 जनवरी, 13 जनवरी यहाँ आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आप जो कि स्टेटमेंट्स अपना निकाल सकते हैं यानी देख सकते हैं। दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जिनको कन्फ्यूजन या दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई आपको मिनटों में दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय।